सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Xiaomi Redmi Note 5 Pro Asus ZenFone Max M1 को टक्कर देने के लिए आ गए Oppo का A83 2018 वाला वर्जन, जो कि 64GB की स्टोरेज और 4GB की रैम के साथ में आएगा। क्या ये Redmi Note 5 Pro और Asus ZenFone Max M1 को यहाँ पर टक्कर दे पाएगा या नहीं कर पाएगा, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली ओप्पो का A83 2018 वाला वेरिएंट आ चुका है, 4GB और 64GB वाला एडिशन आप बोल सकते हो इसे। और यहाँ पर प्राइसिंग ओप्पो ने रखी है, यहाँ पर अच्छी खासी 16,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टोर में, सारे ऑफलाइन स्टोर में आपको देखने को मिलेगा, बिना मांगे आपको 15 से 16,000 आप बोल दो। आपको ये नहीं मिला तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं बिल और डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको यूनिबॉडी टाइप का आपको बहुत ही बढ़िया बिल क्वालिटी देखने को मिलेगी, बट पूरा जो बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक का मिलेगा। कोई नहीं बताएगा आपको दुकान में, ये कोई बाहर भी नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैक पैनल है वो पूरा प्लास्टिक का देखने को मिलता है। भले ही मेटालिक दिखता है बट है पूरा पॉलीकार्बोनेट, या आप बोल सकते हो प्लास्टिक का बना हुआ। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता है, 5.7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, क्या बात है। बट रेजोल्यूशन जो आपको मिलता है वो HD+ मिलता है। और पिक्सल काउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1440x720p का रेजोल्यूशन मिलता है 16,000 की प्राइस पॉइंट पर, क्या बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio P23 का प्रोसेसर मिलता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर GPU लगाया गया है वो आपको Mali का G71 MP2 का GPU देखने को मिलता है। प्रोसेसर ऐसा नहीं बोलूँगा कि बेकार है, पर ये 8 से 10,000 के फ़ोन के लिए ठीक है, 16,000 में P23। अब बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के रैम और स्टोरेज की, तो रैम और स्टोरेज बढ़ा के दिए गए, 4GB की रैम मिल जाएगी, 64GB की स्टोरेज मिल जाएगी, 2 SIM के साथ मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, ये चीज़ अच्छी है यार, मानना पड़ेगी। अब कैमरास की बात कर लेते हैं, जो कि आप बोल सकते हो ओप्पो का सेलिंग पॉइंट रहता है। यहाँ पर आपको बैक में 13 MP का कैमरा देखने को मिलेगा F2.2 अपर्चर के साथ में, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भूल जाना गलती से भी ओप्पो के फ़ोन में नहीं मिलता है। अब फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करते हैं, तो सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो कंपनी का यहाँ पर आप बोल सकते हो टैगलाइन है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 8 MP का सेल्फी कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ में। तो कैमरा आप बोल सकते हो रियर कैमरा एज वेल एज फ्रंट फेसिंग कैमरा डे लाइट में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, बट लो लाइट में स्ट्रिक्टली आप बोल सकते हो दोनों से आप निराश होने वाले हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी इतनी कुछ कमाल की नहीं है, 3100 mAh की देखने को मिलेगी। फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं रखना ओप्पो से, स्पेशली 16,000 की प्राइस पॉइंट पे। अब सेंसर्स की बात कर लेते हैं, तो सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ओप्पो आईफोन 10 है ना भाई। ओप्पो ने सोचा कि फेस अनलॉक का फीचर दे देंगे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर देने की तो ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर को ही रिमूव कर दिया डायरेक्टली। आईफोन 10 है ना भाई। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के एंड्रॉइड वर्जन और UI की, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको नुगट देखने को मिल जाता है और फ्रंट टच OS आपको ओप्पो का खुद का स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप ये फ़ोन लेना पसंद करोगे ओप्पो का, या आप रेडमी नोट 5 प्रो लेना पसंद करोगे, या आप असूस का ZenFone Max Pro लेना पसंद करोगे, ज़रूर नीचे बताना कमेंट्स में। रुको भाई, मेरे ओपिनियन भी सुन लो। बिल क्वालिटी आपका ये फ़ोन में बेकार मिलती है, डिस्प्ले ये फ़ोन में 720p, मतलब आप 16,000 में 2018 में दे रहे हो। प्रोसेसर MediaTek का P23, इतना पुराना प्रोसेसर, वो भी 16,000 की प्राइस पॉइंट पे। साथ ही साथ यहाँ पर कैमरास भी ये फ़ोन के इतने अच्छे नहीं रहने वाले, बैटरी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको ये फ़ोन में मिले गायब ही कर दिए, तो बिल्कुल भी ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके दोस्त लोग हैं या जा रहे हो दुकान में जा रहे हो, ये फ़ोन अगर पकड़ा रहे तो भाई गलती से भी मत लेना, 16,000 बर्बाद नहीं करना। नोट 5 प्रो ले सकते हो या Asus का फ़ोन ले लो, दोनों वैल्यू फॉर मनी है, ये फ़ोन गलती से भी नहीं लेना। और आपके ओपिनियन ज़रूर शेयर करना मुझे नीचे कमेंट्स में। गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।